भाई अभी मैं मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर बना रहा था, एक चीज दिखा दूं मैं कहाँ अटक गया। बहुत बड़ा कोड है, समझाऊंगा दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा आधा तो। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। पहले मैंने क्या बनाया था, एक सिंगल थ्रेडेड वेब सर्वर जिसमें एक रिक्वेस्ट भेजो तो अगर ये रिक्वेस्ट टाइम लगा रही है तो दूसरी रिक्वेस्ट जो है रुकी रहेगी, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आई वाज बिल्डिंग मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर सो दैट मल्टीपल रिक्वेस्ट एक टाइम पे हैंडल हो सके। तो मैं एरर दिखाता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। तो मैंने वर्कर करके इंप्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया सो दैट मैं मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थ्रेड स्पॉन की, स्पॉन के अंदर एक क्लोजर के अंदर मैंने रिसीवर पास किया और एक घंटे से मैं ये एरर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ये थ्रेड है जो ये बोल रही है कि टाइप इसकी ये मिल रही है बट होनी चाहिए थी ज्वाइन हैंडल एंड अंदर एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन हैंडल एम्प्टी है और मुझे एम्प्टी चाहिए। और इतनी देर से दिमाग खराब कर रहा हूँ, आई यूज चैट जीपीटी आल्सो, उसने क्या है लोलू पोलू सा पता नहीं क्या वो दे दिया सॉल्यूशन, ये और भी मुश्किल था, ये बिल्कुल नहीं समझ आया। एंड देन आई रियलाइज कि गलती पता है इसमें क्या है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है, एरर हट गया। रस्ट में क्या होता है, इफ यू डोंट पास अ सेमी कॉलन वो तुम्हारा रिटर्न टाइप बन जाती है, बेसिकली वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो रिसीवर यहाँ से रिटर्न हो गया, दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि ये जॉइन हैंडल एम्प्टी नहीं ले रहा है। तो रिसीवर अगर हटा दूंगा तो क्या होगा, जॉइन हैंडल एम्प्टी हो जाएगा, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। और अगर डालूंगा तो ये इतनी बड़ी रिटर्न टाइप क्यों ले रहा है, तब मेरे दिमाग में आया मे बी ये रिसीवर को रिटर्न कर रहा है, ओहो भाई सेमी कॉलन नहीं पाया हुआ इसलिए इसको रिटर्न मार रहा था। एंड अभी सही चल रहा है, लाइफ ऑफ अ रियल इंजीनियर एंड ऑल सेट।